बढ़ते हैं एक ब्रेकिंग की ओर। बड़ी खबर आ रही है, रिजर्व बैंक ने डिजिटल लैंडिंग पर अंतिम गाइडलाइन जारी की है। क्या है खबर, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी बताइए, क्या है लैंडिंग, ये डिजिटल लैंडिंग पर जो गाइडलाइन जारी की है आरबीआई ने, क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे थे डिजिटल लैंडिंग को लेकर तमाम समस्याएं थी, ग्राहकों का जो अधिकार है उसका हनन हो रहा था, क्या फाइनली आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है, क्या अहम बातें हैं उसकी? बिल्कुल, अगर देखें तो गाइडलाइन जो मोटे तौर पर जो वर्किंग ग्रुप ने सुझाया था लगभग उसी के आधार पर है। उसमें अगर सबसे अहम बात है जो ये कही गई है कि जो ग्राहकों के अधिकार हैं, जो उनका डेटा प्राइवेसी ग्राहकों की थी, उसको लेकर इसमें अच्छी बातें जो है वो कही गई हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो भी ग्राहकों का डेटा होगा, उस डेटा को जो लोन कंपनियां हैं वो अपने पास स्टोर नहीं करेंगी, साथ ही वो डेटा उनका सुरक्षित रहे, लीक ना हो, इसकी भी जिम्मेदारी जो है वो लेंडर्स पर होगी, यानी जो लोन बांट रहे होंगे उन पर होगी। दूसरा जो इशू है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी का, इसमें ये कहा गया है गाइडलाइंस में, जो फाइनल गाइडलाइंस आई हैं, कि अगर जितनी भी कॉस्ट है आप एडअप कर रहे हैं, आप उसको अपफ्रंट बताएं, ना कि टुकड़ों टुकड़ों में बताएं, ताकि जो ग्राहक आपसे लोन लेना चाहता हो उसको ये सारी बात पता हो, उसको सारा खर्च पता हो, वो जो लोन ले रहा है आखिर उसके उस पर ब्याज कितना होगा, दूसरे खर्चे क्या क्या होंगे, और उसको सारी बात पता रहे, और ये फैसला, ये सब कुछ जानने के बाद अगर वो लोन लेना चाहे तो फिर वो लोन ले। तो एक तो ये अहम बात हुई। दूसरी बात ये कही गई है कि जो बड़े पैमाने पर अनरेगुलेटेड डिजिटल लेंडिंग ऐप आ गए हैं, सरकार को इस पर कानून बनाना चाहिए इसके खिलाफ। तो एक ये बड़ी अहम सिफारिश जो है वो रिजर्व बैंक की ओर से की गई है, क्योंकि पहले ये था कि जो रेगुलेटेड थे वही लोन बांट रहे थे, लेकिन अब चूंकि इसमें बहुत सारे लोगों का शोषण हो रहा था, तो लोगों बहुत सारे ऐसे ऐप भी आ गए जिनका कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई किसी भी तरह से किसी भी संस्था का उनके ऊपर नियंत्रण नहीं है। वो लोन बांटते हैं 5,000 का, बाद में वसूली करने की कोशिश करते हैं 5,00,000 की। तो इस तरह की जो एप्लीकेशन चल रहे हैं या जो लोग ऐसे चला रहे हैं, इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार कानून लाए। एक और अहम बात कही गई है कि इस तरह से जो भी डिजिटल लेंडिंग के लोन बांटे जाएंगे, सारी की सारी जानकारी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां होती हैं, जिसको हम आम भाषा में सिविल से जोड़कर देखते हैं, सिविल कहते हैं, तो ये सारी जानकारी सिविल या उसके जैसी दूसरी संस्थाओं के पास जाए, ताकि जो लोन ले रहा है उसकी सारी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो उन संस्थाओं के पास रहे। साथ ही ग्राहकों की शिकायत की सुनवाई के बारे में अगर कहें, तो ये कहा गया है इस गाइडलाइन में कि जो ओम्बड्समैन व्यवस्था होती है, बैंकिंग लोकपाल की जो व्यवस्था है, जिसके पास शिकायत जानी चाहिए जो करते हैं आम ग्राहक, तो उस तरह की व्यवस्था भी ये जो डिजिटल लेंडिंग से लोन लेते हैं इनके लिए भी हो। साथ ही डिजिटल लोन बांटने वाली जो संस्थाएं हैं वो अपने यहाँ उनके अंदर अपने सिस्टम में ग्राहकों के शिकायतों की बेहतर तरीके से सुनवाई की व्यवस्था जो है वो बनाई जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि एक सीमित तरह के आंकड़े ही जो है वो ग्राहक से जो है डिजिटल लोन बांटने वाले हैं वो लें, और अगर ग्राहक को लगता है कि उन्होंने जो डेटा दिया है वो डेटा नहीं देना चाहिए, तो वो उस कंसेंट को वापस भी ले सकते हैं। इस तरह का अधिकार भी जो है सुझाया गया है ग्राहकों के पक्ष में। साथ ही ये भी कहा गया है कि ग्राहक की मर्जी के बगैर लोन की सीमा नहीं बढ़ाई जाए। अक्सर ये देखने में आता है कि जो शोषण करने वाले डिजिटल लेंडिंग ऐप आ गए हैं, वो बिना मर्जी के, बिना परमिशन के लोन बांट देते हैं, और उसके बाद वो शोषण करना शुरू कर देते हैं ग्राहकों का, और उनको इस ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं, जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं कि एक लोन चुकाने के लिए दूसरे लोन से आप दूसरे एक ऐप से लिए हुए लोन को चुकाने के लिए आप दूसरे ऐप से लोन ले लो नया, और उसके बाद इस तरह से एक दुष्चक्र में ग्राहक फंस जाते हैं। तो इस तरह की जितनी भी दिक्कतें थी, जो जी बिजनेस ने ऑपरेशन हफ्ता वसूली के जरिए मार्च अप्रैल 2020 में उठाई थी, तो उन सारी चीजों का अब हम देख रहे हैं कि जो मुहिम उठाया गया था जी बिजनेस की ओर से, उस पर अब रेगुलेशन अंतिम आते हुए दिख रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि ग्राहकों को इससे कुछ मदद मिलेगी। लेकिन जो अनरेगुलेटेड हैं डिजिटल लेंडिंग ऐप, इन पर अब कार्रवाई की जिम्मेदारी सरकार और बाकी संस्थाओं की है। बिल्कुल, यानी आरबीआई की इस नई गाइडलाइन के बाद अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो डिजिटल लेंडिंग ऐप्स हैं जो ग्राहकों को परेशान करते हैं, उनका डेटा लीक करते हैं, उन पर कुछ हद तक लगाम लगती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर को बताने के लिए।